दोस्तों समय बहुत तेजी से बदल रहा है और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी और अलग अलग जो कमीशन जो परीक्षाएं आयोजित करते हैं उनका जो पैटर्न है जो अभी तक बिल्कुल एक सेट ट्रेंड पर था वो भी काफी तेजी से बदल रहा है। अगर देखेंगे आप यूपी ट्रिपल एससी के बारे में तो यूपी ट्रिपल एससी ने हाल ही में जो परीक्षाएं आयोजित करवाई हैं उसमें अगर बात करें तो हाल ही में जो परीक्षा आयोजित हुई है जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा जो कि 27 अगस्त को आयोजित हुई थी। अगर पेपर का एनालिसिस करें खास तौर से करंट अफेयर का तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि करंट अफेयर का जो ट्रेंड है वो काफ़ी बदल चुका है और ऐसा मैं सिर्फ हाल ही के एग्ज़ाम के बारे में नहीं पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा 2022 में जो हुई थी उसमें भी काफ़ी नए नए प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। मतलब ये होता है कि जो प्रश्न बहुत चर्चा में रहते हैं जिनको लेकर आप बड़े चिंतित रहते हैं कि ये इंडेक्स ये एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें हमको भूल रही हैं, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं जिसके बारे में आप इग्नोर ही उसको कर देते हैं वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उसको समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल समय है कि आप सिर्फ स्टडी नहीं स्मार्ट स्टडी करें और एक सही रणनीति बना के चलेंगे तभी आप औरों से आगे रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर कैसे और कितना पढ़ना है अगर इसको आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझना है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। हाल ही में अभी एक जो परीक्षा हुई है जूनियर असिस्टेंट की उसमें जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे लेट मी शो यू। यहाँ पर सामान्य जानकारी के अंतर्गत जो करंट अफेयर के प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैं आपको दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। तो लेट मी शो यू, ये क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। चार लोगों के नाम दिए गए हैं, इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन सी है भवानी देवी। अब ये जो टाइमलाइन है उसको आप समझिए, ये जो क्वेश्चन है ये 19 जून का क्वेश्चन है ठीक है, 19 जून 2023 यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये जून माह का प्रश्न है, जून 2023 का प्रश्न है और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय भवानी देवी। इन्होंने जापान की जो मिसाकी यमुरा थी उसको हराया था और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, बुक्सी में हुआ था जो कि चीन में है। तो एक ये प्रश्न हो गया, आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न 19 जून का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में DRDO के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये है अनुसंधान चिंतन शिविर ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कब का क्वेश्चन है, ये 27 जून का क्वेश्चन है। ऊपर आपने देखा 19 जून फिर ये 27 जून का प्रश्न है, मतलब जून। अब परीक्षा कब हो रही है, जुलाई में अगस्त में हो रही है, 27 अगस्त को परीक्षा हुई है तो ठीक 2 महीने पहले का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगला जो करंट है उसको भी देख लेते हैं। अगला करंट क्वेश्चन नंबर 50 था, इसमें प्रश्न था कि भारत ने किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उसकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुकरी क्लास का युद्धपोत जिसका नाम था INS कृपाण उपहार में दिया है। तो ये वियतनाम को दिया है और अगर टाइमलाइन देखेंगे तो ये प्रश्न भी जुलाई का है, समझ रहे हैं आप, ये जुलाई का प्रश्न है और वो भी जुलाई के बारे में बात करें तो ये 22 जुलाई को ये प्रश्न मतलब कि पेपर में आया था तो उसके बाद का प्रश्न है तो जुलाई का करंट अफेयर ये नेक्स्ट है। इसके बाद करंट अफेयर तो ज़्यादा नहीं पूछे गए थे और बाकी चीज़ें, अच्छा ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको मैंने हल करवा दिया था, पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तो ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर है वो मैं आपको यहाँ पर मतलब दिखा देता हूँ, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, UPGK से यहाँ पर 20 प्रश्न थे और इसमें सिर्फ एक प्रश्न था जो कि करंट अफेयर से था ठीक है, और वो प्रश्न कौन सा था ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिलहाल ये प्रश्न भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न ये था यहाँ पर कि आगे चलते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ यानी कि वन टैप वन ट्री योजना शुरू की है। तो प्रश्न पूछा गया था कि यह योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न ये बनता सामान्यतया कि वन टैप वन ट्री योजना को जुलाई में कहाँ पर स्टार्ट किया गया, उत्तर प्रदेश, ये सामान्य क्वेश्चन होता, लेकिन इसमें जो प्रारूप है वो समझिए, पूछ रहा है कि यह योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 94 है। अब इसका जो आंसर है ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की योजना है ये और इसमें जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट था,
नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। तो यह योजना उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्टार्ट की गई थी। कब से? 1 जुलाई से। और ये प्रश्न जो है जून का है। तो आपने देखा कि कुल मिला के अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पी टी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो करंट अफेयर है वो किस लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, तो कम से कम पिछले जो 4 महीने के प्रश्न हैं, मतलब ये लास्ट 4 मंथ, 4 महीने का जो जितना भी करंट है उसको बहुत ही सावधानी से पढ़ें और कुछ भी यहाँ पर इग्नोर ना करें। मतलब ये बिल्कुल ना सोचें कि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और पूरी तैयारी आपकी 6 महीने की कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 की, तो ये प्रश्न मतलब काफ़ी पुराना प्रश्न है। और 64 के बारे में बात करते हैं तो ये देखो इनडायरेक्टली पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न था कि कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। अब देखो एजुथाचन पुरस्कारम, ये इसका आंसर है। और ये 2022 में दिया गया था, मलयालम कवि सेतु नाम के कवि थे उनको दिया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि एजुथाचन कौन थे, तो मलयालम भाषा के जनक माने जाते थे एजुथाचन। तो ये प्रश्न कब का है? ये प्रश्न नवंबर 2022 का है, मतलब कि 1 साल पुराना करंट भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आपको करंट अच्छे से तैयार करना है तो कम से कम पिछले 4 महीने का जो करंट है अगर उसको आप रट लेंगे तो आप, उम्मीद करता हूँ 90% जो प्रश्न होंगे उसको बिल्कुल सही से आप आंसर कर पाएंगे। बाकी इसके लिए जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो मैं आपको एक कंबाइंड यानी कि कंपाइल करके एक PDF दूंगा, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ वर्तमान में जो करंट चल रहा है इसको आप रेगुलर पढ़िए, ठीक है। और आपका जो चैनल है IAS PCS मास्टर क्लास, उस पर PET के दृष्टिकोण से अब आपको प्रतिदिन कम से कम 20 प्रश्नों की एक सीरीज मिलती रहेगी टिल द योर एग्ज़ाम, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे।